राजकुमारी एनेस्थेसिया भाग दो। आप सबने डेंजोंगा के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे सुरक्षित राज्य है। वहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। वहाँ दिन कब बीत जाता पता ही न चलता, और रातें, वहाँ की रातें जितनी तारीफ करूँ कम है। सितारों से जगमगाती हुई बहुत खूबसूरत लगती थी। उन सितारों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी से कुछ कह रहे हो, कोई ऐसा जो धरती से जुड़ा हुआ हो, कोई खास। हमारी मदद करो बच्ची, हमारी मदद करो। एनेस्थेसिया, हमारे राज्य के लोग उत्सव के लिए काफी उत्सुक हैं। राजकुमारी, हाँ, माफ कीजिए, मैं असल में सब ठीक तो है ना? है ना? एनेस्थेसिया ने मिचिको को उसके सपने के बारे में बताया, जो उसे सपना नहीं सच लगता है। ये सपना मुझे पिछले 2 महीनों से लगातार दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मिचिको चौंक गया, फिर उसने गहरी सांस ली। क्या हुआ बताइए ना। हाँ, लगता है तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है। यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में पीली नदी के पास एक राज्य है, जिसे परियों ने अपनी शक्तियों से बसाया था। उस राज्य का नाम है टियारा लैंड। परियों की रानी अरसा ही टियारा लैंड की रानी थी। उस वक्त वो राज्य दुनिया में सबसे खुशहाल राज्य था, पर बैरन लैंड के दुष्ट राजा कैप्टो की गंदी नजर उस राज्य पर पड़ी। उसने अपनी विशाल सेना लेकर टियारा लैंड पर हमला कर दिया। उस वक्त तुम्हारे पिता राजा रॉबिन ने उनकी रक्षा की और दुष्ट राजा कैप्टो को भगा दिया। पिताजी? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? शुक्र है कि रानी अरसा की दुआएं तुम्हारी माँ के साथ थीं जब तुम उनकी कोख में थी, और जब तुम पैदा हुई तुम्हारी आंखों के नीचे भी वैसा ही नक्षत्र बना हुआ था जैसा रानी अरसा की आंखों के नीचे था। और फिर जब बोरिस ने तांजोंगा को बंदी बना लिया तो उसे मौका मिल गया। उसने फिर से टियारा लैंड पर हमला करने की साजिश बनाई। इस बार उसके पास न सिर्फ उसकी विशाल सेना थी, बल्कि उसके दिमाग में घटिया चाल भी थी। उसने तय किया कि वो आने वाले सूर्य ग्रहण का फायदा उठाएगा। क्या सूर्य ग्रहण? सारी परियों को रानी अरसा से ताकत मिलती थी, और रानी अरसा को उनकी ताकत तारों से मिलती थी। सूर्य हमारा सबसे करीबी तारा है, और सूर्य ग्रहण के वक्त रानी अरसा शक्तिहीन हो जाती थी। उसने रानी की छड़ी छीन ली और रानी को बंदी बनाकर राज्य से बहुत दूर भेज दिया। रानी के जाने के बाद सारी परियां भी शक्तिहीन हो गईं, और फिर उस दुष्ट राजा ने धीरे धीरे पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो तुम्हारे सपने में आ रही है। पर ना तुम्हें बता दूं कि वो रास्ता खतरों से भरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मुझे वैसे भी आसान काम पसंद नहीं गुरुजी। उस रात मिचिको ने एनेस्थेसिया को नक्शे में टियारा लैंड तक पहुंचाने का रास्ता समझाया, और रानी अरसा को जहां बंदी बना रखा था वो जगह भी बताई। शुक्रिया गुरुजी, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। प्लीज आप राज्य का ध्यान रखिएगा, मैं जल्द वापस लौट आऊंगी। ए तुम, तुम्हारी आंखें मुझे बंद होती क्यों दिख रही है? एक मिनट, इन्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। वो क्या था? अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो? तो तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये किंग कैप्टो का? अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे राजा के किसी भी सैनिक को इन मासूमों को परेशान करते हुए देखा तो सूर्य देवता की कसम तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। अब जाओ, जाकर अपने राजा से कहो कि उसके दिन अब खत्म।
तुम कौन हो? एशिया। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम बहादुर एशिया हो। क्या तुम यहाँ हमें बचाने आई हो? देखो, इसके चेहरे पर भी हमारी रानी के चेहरे जैसा निशान है। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम सारी परियों से जाकर कहना, अब मुझे चलना चाहिए। बाय। वाह, मुझे भी उसकी तरह बनना है। मुझे भी। मुझे भी। और फिर अगली सुबह एनेस्थेसिया टियारा लैंड के किनारे पर पहुंची, जहां होने वाला था उसका पहला इम्तिहान, बोल्डर जायंट। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ इस वक्त तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। मेरे सवालों के जवाब दो और अंदर चली जाओ। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान है। हाँ बिल्कुल, पूछो, क्या पूछना है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? बताओ। नहीं महाशय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर ठीक है। तो मेरा सवाल है, तुम जितना आगे बढ़ो उसे उतना ही पीछे छोड़ देते हो, वो क्या चीज है? तुम जितना आगे बढ़ो उतना ही पीछे छोड़ देते हो, ऐसा क्या हो सकता है? मैं इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ और इस पहेली का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ। इतनी दूर आने के बाद, हाँ एक मिनट रुको, मुझे पता चल गया। मुझे जवाब मिल गया। इसका जवाब है कदम। जितने कदम आगे बढ़ो उतने ही पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। और इस तरह बोल्डर जाइंट ने एनेस्थेसिया को आगे जाने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, तब तक वो पेड़ पर रस्सी से उल्टी लटकी नजर आई। संभल कर, इससे थोड़ा संभलना होगा। ये मैंने कैसे किया? तभी उसकी आंखों के नीचे का निशान चमकने लगा, जिससे वो समझ गई कि वो उस जगह से काफी करीब है। फिर वो तेजी से भागकर आगे बढ़ी तो एक गड्ढे के पास जा पहुंची। ये आम गड्ढा नहीं था, बल्कि आग से सुलग रहा था। गड्ढे के उस पार एक पिंजरा था जिसमें कोई कैद था, और आग की वजह से एनेस्थेसिया को कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि वो जरूर रानी अरसा ही होंगी। अब मुश्किल ये थी कि उस गड्ढे के उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। अब मैं क्या करूं? आने पर तुम चली आई, मुझे तुम पर बहुत नाज है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द राज्य के लिए निकलना चाहिए। अब तक सब परियों ने पहरेदारों को बेवकूफ बनाकर मदिरा में जहर मिलाकर पिला दिया होगा। हमें अब चलकर कैप्टो पर हमला करना चाहिए। हाँ चलो। उधर राजा कैप्टो को कोई खबर नहीं थी कि उसके दरबार के बाहर सारे सिपाही बेहोश पड़े हैं। जोनी, मैं अब टेंजोंगा पर हमला करना चाहता हूँ। सुना है बहुत ही खूबसूरत राज्य है,
और मुझे खूबसूरत राज्य को बर्बाद करने में बहुत मजा आता है। जी महाराज, पर उस घुसपैठिए का क्या जिसने हमारे सिपाहियों पर हमला किया? आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? मैं क्या सोचूं? उसके बारे में तो तुम सोचो, मुझे और भी बहुत काम है। मुझे टेनजोंगा पर राज करना है। आप हर जगह विजयी हो, पर हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ की शासक राजकुमारी बहुत ही ताकतवर है, राजकुमारी एनेस्थीसिया। राजकुमारी? ये वही राजकुमारी है जिसने बोरिस को चकमा दिया था। धोखा देने की कला में मुझसे ऊपर कोई नहीं। याद नहीं है जब मैंने अरसा? अरसा, तुम यहाँ कैसे आई? सिपाहियों, जरा दोबारा बोलना। धोखा देने की कला में तुमसे ऊपर क्या? तुम कौन हो? सिपाहियों, मजोनी, ये क्या हो रहा है? महाराज, असल में ये ही है। कौन हो तुम? राजकुमारी एनेस्थीसिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि राजकुमारियां कमजोर और नाजुक होती हैं? वक्त बदल गया है, अपनी सोच बदलो। ओह प्लीज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अरसा की जादुई छड़ी है जिसे तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगी। कहीं वो तो नहीं है? कैसे कैसे तुम्हें कैसे मिली? देखो कैप्टो, तुम्हारे सारे सिपाही बाहर बेहोश पड़े हैं। अगर राजा कपटी हो तो वो ज्यादा दिन किसी भी राज्य पर राज नहीं कर पाता, समझे? परियों, छू मंत्र। इस तरह सारी परियों को उनका जादू वापस मिल गया। दुष्ट कैप्टन को पिंजरे में डालकर वहीं भेज दिया जहां उसने रानी अरसा को रखा था। नहीं! टियारा लैंड में फिर से जादू और खुशियां लौट आईं और रानी अरसा ने फिर से अपना राज्य संभाला। परियां रानी के लिए बहुत खुश थी और खुशी के साथ साथ उन्होंने अपनी रक्षक राजकुमारी एनेस्थीसिया का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया आना, हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया अदा बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ये तो मेरा फर्ज था। हम सब एक ही हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब सूर्य से जुड़े हुए हैं। पर आना, एक बात तो सच है कि तुम बहुत ताकतवर हो। तुम अभ्यास करके अपनी ताकत को बढ़ाओ और अपनी काबिलियत के बारे में और जानो। पर अभी के लिए मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा और बाकी सब बाद में। इस तरह फिर से टियारा लैंड में खुशियां लौट आईं। टेनजोंगा वाले अपनी राजकुमारी के वापस लौट आने पर बहुत खुश थे। इस खुशी में उस रात पूरा आसमान रोशनी से जगमगा रहा था। हजारों पेपर लैंटर्न्स आसपास में दिख रहे थे और जगमग करते हुए हजारों तारे उनकी शोभा और बढ़ा रहे थे।